दोस्तों हमारे YouTube चैनल राज वनस्पति में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे सहदेवी पौधे के बारे में। दोस्तों घास फूस की श्रेणी में माना जाने वाला यह सहज और सुलभ पौधा है। तांत्रिक व आयुर्वेदिक गुणों की खान कहलाता है। दोस्तों इस वन औषधि के पौधे भारत में 4,000 फुट की ऊंचाई तक अपने आप उत्पन्न होने वाला पौधा है। दोस्तों इसका वनस्पतिक नाम वर्नोनिया साइनेरिया है। वर्षा ऋतु में ज्वार मक्का के खेतों में यह बहुत से उगे हुए आपने देखे होंगे। इसके संदर्भ में कहा जाता है दोस्तों कि इसका जड़ को और सिर के नीचे रखकर सोने से निद्रा अच्छी आती है। दोस्तों तो आइए जानते हैं कि इस पौधे से आप सभी के जीवन में कैसे और कितना उपयोगी और क्या क्या फायदे और क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं। वास्तु दोष निवारण के लिए यह आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है जिसके कारण आपका परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो घर में पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में सहदेवी एक पौधा लगाएं और नियमित धूप और दीपक से उसकी पूजा करें। इससे वास्तु दोष का शमन होता है और घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। पेट दर्द और दस्त की समस्या है तो इसके लिए आप सहदेवी की जड़ ले आएं और इसे छा में सुखाकर इसका चूर्ण बना लें और दोस्तों सुबह शाम एक चम्मच लेने से पेट दर्द और दस्त ठीक हो जाते हैं। दोस्तों सहदेवी के बीजों का उपयोग खांसी में बहुत ही फायदेमंद होता है। एलर्जी की समस्या है और पुरानी त्वचा स्किन इन्फेक्शन है तो इसकी समस्याओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए दोस्तों इसकी पत्तियों को ले आएं और इसे कूट पीस कर इसका पेस्ट बना लें और यह इन्फेक्शन वाली त्वचा पर या खुजली है या इन्फेक्शन है उस स्थान पर इसका पेस्ट कर लें। इससे बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है, खुजली और संक्रमण भी दूर हो जाता है।